अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 यूजफुल और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि हम मतलब काफ़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो 2 महीने से मैं यही एप्लीकेशन ढूंढने में लगा हुआ था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा कमाल की होने वाली हैं। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन निकल के आती है उसका नाम है हफ्ता ब्रिज। अब मैं तुम्हें पहले बता दूं कि इस एप्लीकेशन का जो मतलब काम है इसके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं होता, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी सारे लोगों मतलब ये दिक्कत रहती होगी कि भाई हम किसी का वाईफाई किस तरह से यूज़ कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग वही कर सकते हैं, मतलब ये किसी किस्म की हैकिंग नहीं है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है किसी किस्म की हैकिंग वगैरह नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आप लोग सिंपली जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और सभी एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों से ये एप्लीकेशन परमिशन मांगेगी, आप लोगों ने इसे सारी परमिशन दे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है मैप्स के ऊपर। मैप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद लोकेशन जो है यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरे आसपास जो है मेरे एरिया के बहुत ही ज़्यादा करीबी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब डॉट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। आप लोगों ने इसके ऊपर मतलब किसी भी डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों को पास जो है यहाँ पे शो होने लग जाएगा जो भी मतलब उस वाईफाई नेटवर्क का नाम होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका नाम है फास्टैग अब सर या अफसर कुछ भी। तो इसका पासवर्ड यहाँ मुझे दिख रहा है कि Paki3455। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये वाले भी चेक करा दूँ, उसके अलावा जितने भी आप लोग चेक करना चाहते हैं वो सब आप लोग अपने एरिया के आसपास जो है चेक कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सभी वाईफाई नेटवर्क का मुझे जो पासवर्ड मिल रहा है, मतलब कैसे कर लेते हैं यार। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है Access.com। तो आजकल जो है लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हैक हो रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कैसे मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि मतलब आप लोगों को पता नहीं चलता कि वो आप लोगों का डेटा चुरा रही है। आप लोगों का कैमरा किसी भी वक्त खोल सकती है, आप लोगों का माइक्रोफोन किसी भी वक्त खोल सकती है एप्लीकेशन, और कुछ भी आप लोगों के फ़ोन से जो है निकाल सकती है। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाली है ऐसे कामों में कि आप लोग मतलब ये अलर्ट कर देगी आप लोगों का फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ। अब आप लोग सिंपली जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, इसे आप लोगों ने सिंपली एनेबल कर देना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है मेरी स्क्रीन के कॉर्नर पर जो है एक ऑरेंज कलर का डॉट शो हो रहा होगा। ये बेसिकली इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मेरा जो है माइक जो है यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोगों का माइक यूज़ होगा तो उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का डॉट शो होने लग जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आप लोग कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पे कैमरा ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट भी शो होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने कोई भी कैमरा नहीं खोला, कोई भी माइक्रोफोन वाली एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी आप लोगों को डॉट शो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों का डेटा लीक कर रही है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो है ऑरेंज और ग्रीन कलर के दोनों डॉट शो हो रहे थे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है हाइबरनेटर। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली करती ये क्या है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड्रॉयड एप्लीकेशन लगी सभी एप्लीकेशन में से, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन लगी सभी एप्लीकेशन में से, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों के फ़ोन में जो बैटरी का इशू रहता है कि आप लोगों की बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाती है, तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप लोग सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को Z दिख रहे होंगे, Z मतलब सो रहा है ये बंदा, उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप लोगों के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पर जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही होंगी वो सभी एप्लीकेशन को जो ये एप्लीकेशन मतलब फोर से टॉप कर देती है। तो अगर आप लोगों ने जो अगर गूगल क्रोम या कोई भी एप्लीकेशन जो आप लोग चाहते हैं कि वो रन होती रहे, उसके अलावा सभी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड से रिमूव हो जाएं, सिर्फ वो एक एप्लीकेशन रन होती रहे, लाइक गूगल क्रोम, जैसे कि मैं गूगल क्रोम से कोई भी एप्लीकेशन कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो डाउनलोड होती रहे, और उसके अलावा सभी एप्लीकेशन जो फोर से टॉप हो जाएं, तो मैं गूगल क्रोम को एक्सेप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। अब जो है गूगल क्रोम बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे चलता रहेगा और बाकी सभी एप्लीकेशन जो है फोर से टॉप हो जाएंगी, जिसकी वजह से मेरी बैटरी हो जाए काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी टाइमिंग। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है CouchGram। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर आप लोगों के फ़ोन पे जो है पैटर्न पासवर्ड कोई भी अगर आप लोगों ने पासवर्ड लगाया हुआ अपने फ़ोन पर तो उसे कोई भी बंदा आसानी से जो है अनलॉक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है। लेकिन आप सोचें कि अगर ऐसे में किसी की कॉल आ जाती है और वो बंदा जो है मतलब उसे तो पिक कर पाएगा ना, क्योंकि वक्त तो पासवर्ड पैटर्न जो भी आप लोगों ने सेट करा होगा स्क्रीन लॉक,
तो वो तो किसी काम आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों की पर्सनल कॉल है और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जो है अटेंड ना कर पाए वो कोई भी बंदा, उसके ऊपर भी एक लॉक शो हो जाए, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली उसी काम आने वाली। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, आप लोग सिंपली जो है इसको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग जैसे ही आप लोगों की कॉल आता है, कोई भी कॉल आता है, उसके ऊपर आप लोग कौन सा पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम जो है ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं पैटर्न, जो कि हमारा बचपन से फेवरेट है। उसके बाद हमने एक पैटर्न लगा दिया, उसके बाद ये हमें जो थोड़ी सी हिंट देगा कि किस तरह से ये जो है वर्क करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि मुझसे पासवर्ड पूछा और अभी मुझे बता रहा है कि इस तरह से आप लोग जो कॉल पिक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी। आप लोगों की सभी एप्लीकेशन कैसी लगी मुझे कमेंट के ज़रूर से बताएं। और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चार ही एप्लीकेशन थी, लेकिन एक एप्लीकेशन कहाँ गई। एक एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम किस तरह से, तो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है नीचे। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो मुझे ज़रूर से कर लें, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा कम फॉलोअर हैं। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएँ। तो आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू और सब्सक्राइब नहीं करा तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस करो। इसका फ़ायदा ये होता है, अब बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।